आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट वन हायर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि हम लोग जो है क्रमशः जो है वीडियो आपको सीक्वेंस वे में अपलोड कर रहे हैं। और जो कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं वो सीक्वेंस वे में जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री से लेके अप टू टिल पार्ट ट्वेल्व तक आज का वीडियो है। और इसके बाद जस्ट जो है सीक्वेंस में वीडियो आते रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग चल रहा है क्या चीज, तो हाइपरबोलिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाइपरबोलिक एक न्यू टॉपिक है। इसमें क्या है कि वेदर जेड कोई रियल नंबर है, जेड रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, देन द हाइपरबोलिक फंक्शन, क्या लिखेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ जेड रिटर्न एच, इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड आर डिफाइंड, क्योंकि जब डिफाइंड होगा तो ये ऑलरेडी जो है परिभाषित है। क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बटे टू, और कॉस हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, तो ई पे पावर जेड प्लस ई पे पावर माइनस जेड बटे कितना है, टू है। अब देखिए द हाइपरबोलिक ऑफ, हमको टेंजेंट चाहिए, को सिकेंड चाहिए, सिकेंड चाहिए एंड को टेंजेंट, चूंकि दो तो दिया है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, हेल्प ऑफ साइन और कोसाइन से निकाल सकते हैं। तो टेन हाइपरबोलिक ऑफ जेड को क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस, चूंकि साइन का क्या होता है ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर जेड बटे टू हो जाएगा, और ई पे पावर जेड प्लस ई पे पावर माइनस जेड बटे टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बटे ई पे पावर जेड प्लस ई पे पावर माइनस जेड हो गया। इसी तरह कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉस बटे साइन, कॉस वाला पार्ट को पहले लिख दिया, सेक को लिखेंगे वन बटे कॉस इसी के हेल्प से। इसके बाद देखिए सेक के बाद क्या आ जाएगा, चौथा में कॉसेक हाइपरबोलिक ऑफ जेड, इसको हम लिखेंगे कॉसेक की जब बात होगी तो वन बटे, चलिए कॉसेक की बात करेंगे तो वन बटे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। और देखिए साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड का हम तुरंत फॉर्मूला लिखे हैं, ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर जेड बटे टू, तो ये टू ऊपर आ जाएगा, तो दो बटे कितना लिखेंगे, ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड। तो ये चीज़ आपको ब्रेन में रखना होगा कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब हमको मेन जो पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन और एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट, हाइपरबोलिक फंक्शन, बी ओ एल आई सी, हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए अंतर क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर आई थीटा बटे क्या लिखे थे, टू आई, और एंड अगर कॉस की बात होगी तो कॉस थीटा इक्वल टू हुआ था ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा बटे क्या लिखे थे, टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं थीटा के जगह, रिप्लेस करते हैं क्या चाहिए, तो आई एक्स, चलिए पुट कीजिए तो थीटा के जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस अगर करेंगे आई एक्स तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, तो साइन कितना होगा, आई एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर आई थीटा के जगह आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा के जगह आई एक्स बटे कितना हो जाएगा, टू इंटू आई। तो हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर, देखिए कितना आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स बटे नीचे में क्या हो जाएगा, टू आई, आई स्क्वायर का मान जानते हैं हम लोग क्या होता है, माइनस वन, तो ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस माइनस प्लस एक्स बटे नीचे में कितना हो गया, तो टू आई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है कि वन बटे आई को बाहर कर लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ई पे पावर माइनस एक्स प्लस ई पे पावर एक्स बटे टू। देखिए ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर देखिए क्या लिखे, ई पे पावर माइनस एक्स, और अगर प्लस रहेगा ई पे पावर एक्स बटे टू, इसको क्या लिखेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड। और यहाँ पे देखिए नीचे में मेरे पास क्या है, वन बटे आई है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन यहाँ ई पे पावर माइनस यहाँ पर सॉरी है, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे आई, इसको क्या लिखेंगे, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा, टू होगा, है ना, बोलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। तो हम लिख सकते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, इस जगह देखिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम इस जगह मेरे पास क्या है, तो साइन आई एक्स है,
साइन आई एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई पी एफ आवर, तो माइनस वन बटे आई इंटू ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ जेड। तो हाइपरबोलिक ऑफ जेड का जगह क्या होगा एच इंटू एक्स होगा। अब क्या करते हैं आई से गुना और आई से हम लोग भाग करते हैं, आई से गुना और आई से क्या करेंगे मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बटे आई, आई से गुना आई से भाग देते हैं तो साइन क्या हो जाएगा एच एक्स। बोलिएगा यहाँ माइनस पहले से था तो आई गुना माइनस आई होगा और आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, इधर क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा आई इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स किसका होगा बोले तो अगर साइन आई एक्स का बोलेगा तो ये याद रखिएगा आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होगा। इसको स्थिर से देखिएगा साइन आई एक्स का क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में करेंगे तो आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। चलिए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कॉस थीटा बराबर क्या है एक बटे दो ई पे पावर आई थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आई थीटा। अभी हम तुरंत बताएं बोलिए क्या करते हैं हम रिप्लेस पुट करते हैं थीटा की जगह क्या पुट करते हैं आई इंटू एक्स, बोलिए कितना हो जाएगा कॉस बराबर हाफ बोलिए ई पे पावर आई नहीं आई एक्स एक स्टेप लिख देते हैं माइनस आई बोलिएगा आई एक्स बटे नीचे में कितना हो जाएगा इधर टू तो है ये है तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे एक बटे दो ई पे पावर आई गुना आई आई स्क्वायर तो माइनस एक्स फिर माइनस क्या सॉरी प्लस प्लस ई पे पावर क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स होगा हाँ ना बोलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे वन बटे टू इंटू बताइए कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्योंकि यही फॉर्मूला बताएं तो याद रखिएगा कि अगर कॉस आई एक्स रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। लेकिन साइन के साथ अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर साइन आई एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये कौन सा पोर्शन हो गया सेकेंड पोर्शन। अब हम लोग चलते हैं किस में तो टेन में लास्ट है। देखिएगा टेन हम लोग अभी तुरंत लिखे थे टेन आई एक्स हमको निकालना था टेन आई एक्स को लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे साइन आई एक्स बटे बोलिए कॉस आई एक्स अगर ठीक तो कॉस आई एक्स साइन बटे कॉस के टेन को। अब देखिए साइन आई एक्स को हम क्या लिखे हैं आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इसको क्या लिखे हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स तो क्या लिखेंगे आई साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं टेन आई एक्स बराबर क्या होगा आई टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ये तीनों रिलेशन आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहते हैं देखिएगा ये तो एक फॉर्म हो गया अब एनदर फॉर्म में चलते हैं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म हो गया देखिएगा एनदर फॉर्म क्या होता है इसको अच्छे से रखिएगा दिमाग में। एनदर फॉर्म में क्या है जैसे मान लीजिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या चाहिए कि साइन आई एक्स इसको क्या लिखे हैं बोले तो आई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर सिंपल पूछ दिए कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स तो क्या लिखेंगे वन बटे आई इंटू बोलिए साइन आई एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं आई से गुना और आई से भाग तो आई बटे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे साइन आई एक्स तो बोलिए क्या लिखेंगे वन बटे आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस वन साइन आई एक्स। तो कन्फर्म हो गया कि अगर साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा आई एक्स। ये याद रहेगा कि साइन सिर्फ हाइपरबोलिक की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था तो क्या हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स एक हो गया। फिर से अगेन चलते हैं साइन के बाद हम लोग चलेंगे कॉस साइन के बाद हम लोग क्या चलते हैं कॉस के साथ चलते हैं तो बताइए तो कॉस आई एक्स बराबर ये तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ही होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और लास्ट चलते हैं एंड अगर चलते हैं क्या चाहिए तो टेन आई एक्स बोले इसको क्या लिखेंगे टेन को तो अभी बता ही दिए थे साइन बटे कॉस है। अब देखिए टेन के साथ चलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन आई एक्स इक्वल टू क्या होता है आई टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स तो हम लोग लिख सकते हैं टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्या होगा वन बटे आई इंटू बोलिए टेन आई एक्स। तो अगर हम इसको गुना करेंगे नहीं टेन हाइपरबोलिक फिर वही गुना करेंगे आई बटे आई स्क्वायर आई से गुना भाग दिए तो कितना हो जाएगा टेन आई एक्स। देयर फोर लिख सकते हैं कि टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस टेन क्या हो जाएगा आई एक्स। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इससे जो रिलेटिव है एक फॉर्मूला को ब्रेन में रखना है और इसके बाद जस्ट हम लोग जो है एक अच्छे से प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं ठीक है। देखिए
चलिए एक प्रॉपर्टीज है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर वन, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। तो देखिए सबसे पहले अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, कॉस हाइपरबोलिक का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ई पे पावर एक्स ई पे पावर माइनस एक्स बटे क्या पढ़े थे टू और एंड, बताइए तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्या पढ़े हैं, ये तो पढ़े हैं ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बटे क्या पढ़े हैं टू। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए क्या है यहाँ पे लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर, हमको वन प्रूफ करना है तो बोलिए कॉस का क्या लिखेंगे, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बटे टू, पूरे का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बटे टू, इसका संपूर्ण का होल स्क्वायर, बोले तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स बटे दो, दोनों कितना हो जाएगा चार, इसको एक जात में लिखेंगे फिर माइनस बीच में, बोले इसको क्या लिखेंगे ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ई पे पावर एक्स इंटू माइनस ई पे पावर एक्स बटे क्या लिखेंगे फोर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, चलिए देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा फोर होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे ई पे पावर एक्स स्क्वायर है तो ये मल्टीपल में क्या होगा ई पे पावर टू एक्स ई पे पावर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू, दोनों का बेस सेम है पावर जुटेगा तो ई पे पावर एक्स माइनस एक्स ये तो वन हो जाएगा, फिर बोलिए माइनस ई पे पावर कितना होगा टू एक्स, फिर बोलिए ई पे पावर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा टू इंटू वन हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों कैंसिल हो गया तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर बटे फोर, दैट इज कॉल कितना हो गया वन, ये मेरा प्रूफ हो गया। देखिए अगला इसी से कुछ आगे बढ़ाते हैं अनदर फॉर्म में, देखिए अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए, क्या चीज़ प्रूफ किए कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या प्रूव किए हैं, बोले तो वन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड डिवाइडेड करते हैं किससे, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से, ठीक है ऑन बी साइड, बी स्टैंड फॉर बोथ साइड क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर तो वन हो जाएगा माइनस साइन बटे कॉस क्या होगा टेन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर इक्वल टू वन बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर अगर कोई पूछ दे कि सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है तो वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, थोड़ा सा लगता हुआ कि बेतुका कि सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है उल्टा होता है, अब टेन को इधर लाइए तो हम क्या लिखेंगे टेन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो वन माइनस वन ना होगा वन माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक एक बार कॉस से दिए अगेन हम लोग क्या करते हैं एक बार साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं ऑन बोथ साइड इस इक्वेशन में, तो जैसे साइन से करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये तो माइनस वन, वन बटे साइन को क्या लिखेंगे बोले तो दैट इज कॉस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होगा, अब उसको उधर लेते एक तो ये फॉर्मेट हो गया कॉट के साथ ये हो गया, अब जैसे वन को उधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है वन, ये भी कंडीशन समझ में आ गया, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बाद जस्ट बाद जो है हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें से फिर से इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।